सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पता है बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। हम आए हुए हैं मंदार मनी, तो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और अभी हम लोग एक छोटा सा मस्त वाला घर लिए हुए, ये अच्छा सा होटल है, तो ये यहाँ पे अच्छा सा होटल लिए हुए और यहाँ पे हम लोग करीबन 3 दिन से स्टे किए हुए। एक कुछ प्लानिंग भी था तो वो उसी मुद्दे पे आए हुए थे और अब यहाँ पे घूम रहे हैं हम लोग। और अब आपको दिखाते हैं, आज बहुत दिन के बाद मेरे को मन किया कि ब्लॉग बनाया जाए, तो बना रहे हैं ब्लॉग। अब बहुत दिन के बाद हम फंकी वाला लुक भी रखे हुए हैं। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं समुद्र में नहाने के लिए। और ये देखो हमारा, तो ये है हमारा रिजॉर्ट। ये देखो वो वाले 107 में हम लोग स्टे किए हुए थे। अब यहाँ से चलते हैं। बहुत अच्छा, मतलब ये सारा कुछ होटल्स रिजॉर्ट जो भी बोलो एक नंबर है। यहाँ से हमारा इडगिली गेट है और प्लस ये है हमारा छोटा सा मंदिर जो राधा कृष्ण जी का है। और ये देखो पुल, ये स्विमिंग पूल, ये हमें सजेस्ट किए थे, एक भैया आए थे सोमेंदा, वो सजेशन किए थे कि यही वाले रिजॉर्ट में रुकना। ये बहुत मस्त रिजॉर्ट है, देख रहे हो, इतना बड़ा सा रिजॉर्ट। इस साइड में है पार्क जो बच्चे लोग का है और इस साइड में सारा होटल्स वगैरह है। यहाँ पे ज्यादातर प्राइस सिर्फ 1800 या 2000 इतना ही है। और 3500 वाले रूम्स लोगे तो थोड़ा लग्जरीज गर्लफ्रेंड को लेके आ सकते हो। और यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ है कि जितने दोस्त लोग आओगे ना बहुत मज़ा आ जाएगा। और सामने मतलब कि यहाँ से आप चल के आ रहे हो, आपका रूम वहाँ है, तो आप यहाँ से ये आपका मिल जाएगा प्राइवेट बीच। आप यहाँ भी रह सकते हो, यहाँ भी आप घूम फिर सकते हो। और ये आपका प्राइवेट बीच, देखो क्या मस्त आ रहा है। कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप घूमते रहो फिरते रहो, मज़ा आ जाएगा। अब चलो चला जाए बीच में नहाने के लिए। कल पता तो बोटिंग किए, आपको थोड़ा सा अगर फुटेज होगा मेरे पास तो डाल दिया जाएगा। यहाँ से पूरा मस्त वहाँ तक गए थे, बहुत दूर तक गए थे फुटेज लेने के लिए। वो वाले बोट पे, वहाँ पे बोट रखा हुआ है। और आज एकदम भीड़ नहीं है, कल तो भीड़ था भी, आज एकदम नहीं है। तो चलो जो हम दो चार अभी फोटोज वगैरह लेते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, मजा आ जाए क्या। देखो कल जैसे वो बोट वाला आदमी आया था, अभी भी आ रहा, कुछ नहीं कर लिया। और हम सोच रहे थे क्या, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ब्लैक कलर का वो प्लास्टिक सा कुछ लगा हुआ, जैसे यहाँ बांस लगा हुआ ना, वो पानी का टेम्परेचर मतलब कितना ऊपर है उसके लिए डाला हुआ है वहाँ पे। अब मेरे को लगा कोई डूब रहा है वहाँ पे, ब्लैक कलर का कोई प्लास्टिक जैसा। और ये है होटल हमारा, यहाँ से पूरा वहाँ तक, वहाँ पब्लिक है थोड़े, ये प्राइवेट जैसा। तो अब गाइस फ़ोन को हम यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं, हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर पूल में आई वीडियो बनाया जाएगा तो वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे कहीं भी फ़ोन वगैरह छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, कहीं भी फ़ोन वगैरह छोड़ दो। जैसे अभी हम लोग चप्पल वगैरह छोड़ देते हैं, उसके बाद जा करके आराम से नहाते हैं फिर चला जाएगा। और सही में जमशेदपुर में 46-44 ऐसे टेम्परेचर है ना, यहाँ का टेम्परेचर ओनली 17-20 अभी के टाइम पे। चलो यहाँ चप्पल वगैरह रखे हैं, रख देते सारा कुछ, चश्मा वगैरह, चलते हैं।
गया है मेरा नहाना धोना कम्प्लीट। अब चलते हैं स्विमिंग पूल में डुबकी मारने। बिना ऐसे पूरा बालू बालू करके नहीं जा सकते स्विमिंग रूम पे, पूरा बालू बालू हो जाए। तो स्विमिंग पूल चलते हैं, नहाया जाएगा। हम पता एक बार स्विमिंग करने भी सीख गए यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, पर चलो चलते हैं। अब चलते हैं उस पर डुबकी मारने। तो गाइस देखो कितना सीखे हैं हम स्विमिंग करने के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इधर इधर करना। इसको स्लो मो करके ना धीरे धीरे कर देंगे और आगे। तो ये हमारा प्राइवेट पूल, प्राइवेट पूल नहीं मतलब जितने लोग आते हैं उतने ही लोग के लिए। और अभी तक मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़्यादा आता होगा, सिर्फ हम ही दोनों। तभी से जब से मतलब 3 दिन से आए हुए हैं, आज हमारा तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन है, 3 दिन से हम और सर आ करके पूरा यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे दारू रूपी ना अलाव नहीं है, रूम पे जाके पी सकते हैं। अरे यार दारू बहुत सस्ता है, 135 का किंग फिशर। अब सोचिए कि यहाँ जो प्लानिंग से आए थे वो सक्सेस हो गया है। अब तो लगभग 3 मंथ्स में एक बार अब डेली आना है, 3 मंथ्स में एक बार रिपीट करते रहना है। और ये हम लोग वादियों में पानी का मज़ा लेते हुए, चारों तरफ पानी ही पानी, एकदम ब्लू है पानी पानी पानी। तो चलो एंजॉय करो, हम लोग भी अब एंजॉय करते हैं। तो आपको रूम का व्यू दिखाते हैं कि रूम का व्यू कैसा है। तब तक हम एंजॉय कर रहे हैं, बाय बाय।